प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से बड़वानी जिले की नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। तो वहीं नर्मदा नदी पर प्रतिबंध के बाद भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सख्त नहीं है। लोगों की आवाजाही के बावजूद भी जिम्मेदार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। बड़वानी जिले में लगातार हो रही बारिश और सरदार सरोवर बांध के गेट बंद होने और कल रात को ओमकारेश्वर के 9 गेट खोलने के बाद नर्मदा का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है और नर्मदा नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर पहुंच गई है। वहीं हम बता दें कि 123 मीटर खतरे का निशान है और अभी नर्मदा का जलस्तर 124.800 मीटर तक पहुँच गया है। वहीं इस बार नर्मदा नदी के कछार में हुई अच्छी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ गया है। वहीं हम पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पहले नर्मदा नदी खतरे के निशान से नीचे थी तो पुलिस प्रशासन ने लोगों की आवाजाही बंद करवा दी थी, मगर अब नर्मदा नदी जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है, फिर भी लोगों की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं लोग भी बड़ी संख्या में नर्मदा नदी पहुँचे हैं, आवाजाही पूरी तरह चालू है और कोई रोकने वाला नहीं है। वहीं औपचारिकता के तौर पर पुलिस ने 2 होमगार्ड और SF के जवान तैनात कर बैरिकेड तो लगा दिए हैं, मगर ये जवान भी लोगों की आवाजाही रोकने में नाकाम दिख रहे हैं। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।